तारीख 5 अप्रैल, घटनास्थल बिहार की राजधानी पटना स्थित जगदेव पथ मुसहरी सिद्धार्थ नगर। मामला क्या था? मामला था मुसहरों की कब्रिस्तान की जमीन का, जिसे अमित पोद्दार और आलोक पोद्दार नामक बिल्डरों ने पैसे के बल पे हथिया लिया और वहाँ पे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला, लोग यहाँ उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन लोगों की बातचीत बिना सुने ही उनके ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 50 चक्र से ज़्यादा गोलियाँ उन्होंने चलाई, जिसमें कि बेलवंती देवी की मौत हुई। सौ 150 सालों से हरजन के लिए कब्रिस्तान दिया गया था, जिस समय जमींदार समय था, जमींदार लोग दान में दे दिए थे और उस समय इस ज़मीन का कीमत कुछ भी नहीं था। आज इस ज़मीन का कीमत करोड़ों हो चुके हैं, इसलिए बेच भी दिया गया बिल्डर के द्वारा, जो नाजायज तरीके से बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे, जिसका हम लोगों ने जाकर विरोध किया। उसके विरोध करने के उपरांत ऐसा हुआ कि उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है कि 4 लोग घायल हो गए, 1 की जान चली गई। सब हुआ लोग यहाँ करसान ने सब बिल्डरों के आके मैंने घेर रहा था, तो तहिया से गया सब महिला लोग गया माना करने के लिए, तब सब गोली फायरिंग करने लगा, तब वही ने गोली लग गया। हम आज जहाँ बैठे हैं वो बेलवंती देवी की कब्र है। ये घटना पुलिस के सामने घटी। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की पुलिस और रुपसपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस यहाँ मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में ही सारी कांड को अंजाम दिया गया है, इसमें पूरी तरह से पुलिस इन्वॉल्व है। यहाँ 50-50 नाल राइफल जो है और पिस्टल लेके लोग खड़े हैं, पुलिस देख रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बशर्ते उसे और कह रहे हैं कि आदेश देते हैं कि गोली चलाओ, ये हरजन है क्या कर लेगा, बाकी जो होगा हम समझ लेंगे। इस तरह का प्रशासन यहाँ ऐसे करती है। हम लोगों को प्रशासन भी चाहती है कि यहाँ से ये लोग हट जाए। कहते हैं कि नीतीश सरकार तो कहते हैं कि हमारे राज्य में सभी चीज़ टाइट है, तो फिर इसमें प्रशासन ऐसा इन्वॉल्व क्यों हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि मेरी सरकार सुशासन की सरकार है। ऐसा लगता है कि जैसे वो यह बात अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हों। इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज भी दलितों के अधिकारों को इसी तरह से दबाया कुचलाया जाएगा? क्या आज भी दलितों की जान का कोई कीमत नहीं होगा? क्या उनकी जान की कोई सुरक्षा नहीं होगी? क्या उनकी ज़मीन इसी तरह से पैसे के बल पर, गोली के बल पर और पुलिस के बल पर हथियाई जाएगी? क्या नीतीश सरकार का ये दावा कि वे सुशासन चला रहे हैं वो सही है? पुलिस सामने होते हुए इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम देती सरकार कैसे कह सकती है कि ये सुशासन की सरकार है? मैं वर्षा, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।